नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार विधानसभा की जब से यहां पर शुरुआत हुई है, लगातार यहां पर हंगामे देखे जा रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा कुछ ऐसा हो गया है कि बिहार सरकार लगातार बीजेपी और अन्य विपक्षी दल को उस पर घेर रही है, लेकिन यहां पर उसी पर विवाद हो रहा है। जब बिहार आरक्षण में आरक्षण की बात पारित कर दी गई तो उसके बाद विधानसभा के बाहर लड्डू बांटे गए और वहां पर बड़ा झगड़ा हमने देखा कि किस तरीके से एक तरफ एक विधायक दल तो वहां लड्डू खा रहा है, लेकिन दूसरा विधायक दल यानी विपक्षी विधायक दल उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बहस, बड़ा हंगामा यहां पर हुआ और हंगामा तो पूरी विधानसभा में हुआ। जब नीतीश कुमार ने यहां पर जो है अपना बयान दिया, उनके बयान के बाद बवाल मच गया। लगातार उनको लेकर सब यहां पर अपना निशाना साधने लगे। उसके बाद हमने जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच तू तड़ाक वाली बहस देखी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जीतन राम मांझी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के खाने में कोई विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है जिससे उनकी जवान बिगड़ रही है, जिससे जो है वो अपना आपा खो रहे हैं और कुछ भी इधर उधर बातें कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जब से बिहार विधानसभा की शुरुआत हुई है लगातार हंगामा है और हंगामा आरक्षण के मुद्दे पर है। और आरक्षण के मुद्दे के चलते ही नीतीश कुमार घेरे में आए, जीतन राम मांझी घेरे में आए, बीजेपी लगातार उनके ऊपर यहाँ पर हमला कर रही है। और देखा जाए तो बिहार में जातिगत जनगणना कुछ ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर बीजेपी घिर गई और ये मुद्दा 2024 तक भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी लगातार इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और 2024 की पूरी रणनीति इसी जातीय जनगणना के हिसाब से बन रही है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जाते हैं, राजस्थान में राहुल गांधी जाते हैं, तो एक ही बात करते हैं, जातीय जनगणना और ओबीसी को कितना हक मिले। तो देखना होगा कि क्या जो बिहार से ये जातीय जनगणना की बात शुरू हुई थी तो क्या ये 2024 में बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने बनकर उतरेगी। और अभी बिहार विधानसभा जिस तरीके से अब वो यहाँ पर सत्र उसका पूरा हो गया है, तो क्या उसके बाद भी यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिलेगी, क्या इसके बाद भी यहाँ पर बिहार में आरक्षण लेकर बवाल होगा कि नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।